तो दोस्तों चैनल पकड़ने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो है गिलास रेलिंग के ऊपर। चलिए आगे शुरू करते हैं और आपको खास खास जानकारी देते हैं गिलास के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ हम लेकर आए गिलास वाली रेलिंग और इसके बारे में कुछ खास जानकारी तुम्हें देने वाला है। तो दोस्तों यह है ऊपर का फ्रंट रेलिंग गिलास। अभी इसमें गिलास लगाने, गिलास आ चुका है, वो कल इसमें गिलास लगेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं जहाँ की हमने गिलास ऐड कर दिया है। तो दोस्तों शुरुआत यहाँ से करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लगाया गया है ये है 3x2 का साइज, 10x12 mm सॉरी, और ये 3000 की रेलिंग है। दोस्तों उधर से एंड तक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये करनी है कि जिस टाइम तुम ग्लास की रेलिंग लगाते हो, अगर तुम्हारे पास ऐसा डिज़ाइन है ग्लास वाली रेलिंग लगाने का, तो दोस्तों उसकी पूरी पैमाइश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ग्लास का साइज़ बता दो और बाद में ग्लास आउट आ जाए, 1-2 इंची या 1-2 सूत बढ़ा जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये मैं नहीं चाहता कि दोस्तों तुमसे भी ये मिस्टेक हो। दोस्तों ग्लास का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और रेलिंग भी, कम से कम इसकी हाइट की बात करें तो रेलिंग की हाइट बैठी है 2 फीट 2 फीट के फिर में इसकी हाइट है। और अभी इसकी दोस्तों फिनिशिंग रह रही है थोड़ी, ये दोस्तों वहाँ तक। अगर दोस्तों तुम्हारे पास भी इसी टाइप का छज्जा है तो दोस्तों उसकी इंची टेप से साइज बुला लो और उसकी बहुत ही अच्छी तरह से मैकिंग करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ग्लास का साइज अंदाजे से भेज दो और बाद में ग्लास आउट आ जाए। दोस्तों इस रेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ऊपर का जो हमने अभी पहले में वीडियो में बता रखा है, जो शुरू के पार्ट में हमने बताया कि वहाँ पर रेलिंग लगा रहे हैं हम, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई, उसमें नीचे बहुत फ़र्क आया। तो दोस्तों ये गलती तुम भी मत करना। ग्लास की रेलिंग दोस्तों बहुत अच्छी लगती है और इसकी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्ट बहुत महंगी बैठती है। सपोज करो एक सिंगल रेलिंग की कॉस्ट कम से कम मान के चलो टफन ग्लास में 25 से 30 हज़ार, 20 हज़ार भी है।